press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. A very good morning all of you, this is Sachin Modi aur aaj hamara day 1 hai crash course ka. बहुत सारे एक्सपीरियंस कह रहे थे सर सिंडिकेट की तैयारी करवा दीजिए सर हमें कैनरा बैंक की तैयारी करवा दीजिए तो भाई देखो अब आपके लिए आपकी सुन ली है अड्डा 247 ने और आपके लिए 30 दिन का एक स्टडी प्लान हम लेकर के आए हैं. अब देखिए अब बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें अक्षर हमसे ये कहते हैं सर स्टडी प्लान शेयर करो स्टडी प्लान शेयर करो. अब देखो आपको वन बाई वन यानी डे वन डे टू डे थ्री डे फोर हम आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे ठीक है. और आपने देखा होगा कहीं पर भी लगभग ऐसा नहीं होता जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यानी वन टू वन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. तो आज हमारा जो डे वन है ये डे वन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का. क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि क्लरिकल मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा एज वेल एज हमारे अगर हम बात करते हैं सिंडिकेट के अंदर या फिर कैनरा बैंक के अंदर तो वहाँ पर भी इसके 5 क्वेश्चन आएंगे. गाइस आप समझना 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 5 क्वेश्चन का मतलब हमारे लिए ये 5 मार्क्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. सेकेंड थिंग ध्यान रखिएगा आज अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको कम लगती है या स्लोली लगती है या जो भी लगता है तो मान के चलना आज मेरे गले में टॉन्सिल्स हैं मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा तो मुझे सपोर्ट करना क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर मैं बोलूँगा तो मुझे यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा ठीक है. तो फिर भी मैं यहाँ हूँ क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को ज़रूरत है मेरी. तो ध्यान रखिएगा अगर मैं आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी करना. और यहाँ पर आज मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़. यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के हम आज सॉल्व करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन. ध्यान रखिएगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट भी मिलेंगे न्यूमेरिक भी मिलेंगे सिम्बॉलिक भी मिलेंगे यानी सिम्बल भी मिलेंगे ठीक है. तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा और तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी. आपको क्वेश्चन को रीड करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है क्वेश्चन के अंदर. वो ये समझ में नहीं पाते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में पूछा क्या गया है आंसर क्या करना है. तो ध्यान रखना एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर एक चैलेंज करूँगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे सॉल्व कर पाते हैं और करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं ठीक है. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स जो यहाँ मैं आज आपको बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अभी तक जितने भी पेपर आ रहे हैं क्लैरिकल को लेकर के या फिर पीओ को लेकर के वहाँ पर हमेशा इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो एज़ वेल एज़ डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का बहुत अच्छा है. आपको बस क्वेश्चन समझना है पढ़ना है और आंसर करना है ठीक है. सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो प्लीज़ यू कैन से कि यस सर आई एम रेडी मैं तैयार हूँ एंड प्लीज़ शो द क्वेश्चन. तो ये ज़रूर बोल सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू कर सकूँ इस सेशन को शुरू कर सकूँ ठीक है. तो चलिए आप देखते हैं आप में से आप देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो तैयार हैं जो मुझे बोल रहे हैं यस सर मैं रेडी हूँ. दैट्स गुड ओके रेडी हैं. तो देखो अगर आप रेडी हैं तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको अपना पेन पेपर साथ में रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि एक सेट के 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर लो यानी कि अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लो लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको अपने पेन पेपर की नीड होगी उन्हें चलाना पड़ेगा. तो इसके लिए आप अपने पेन पेपर को साथ में रखें ताकि आप लेट ना हो दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में आंसर देने में ठीक है. चलो तो ये बहुत जल्दी शुरू हो चुका है. चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज. सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. चलो आंसर करो और देखो क्वेश्चन सामने है तब तक मैं इस अल्फाबेट सीरीज को लिख लेता हूं ठीक है. यहां पे दिया हुआ है R4PIJM ठीक है. R4PIJM ठीक है. मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं तब तक आप सभी को इसका आंसर करना है. तो यहां पे है R4PIJM Q3 percentage T. इसके बाद है @copyright UK. इसके बाद यह हुआ है 5V1W. और देन दिया हुआ है $Y2 के बाद यहाँ पे BE6 hash के बाद है 9DH8 और 9DH8
G and ZN, ठीक है, यही है। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है हमें सी। ओके, गुड, परसेंटेज सी। चलिए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन ही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड से 15th जो भी होगा, यहाँ पे बात आ रही है विच ऑफ द फॉलोइंग 6, ठीक है, 15th जो भी होगा उससे मुझे लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट एंड पे जाना है और 6 पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक्स की बात करता हूँ, देन आपको ट्रिक की बात करता हूँ। देखो, लेफ्ट से 15 का मतलब ये होता है ना, मैं यहाँ से जाऊँगा 15th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दिस इज 15 है ना, जिसे मैंने मार्क कर दिया है। अब मुझे इससे लेफ्ट में 6 जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट इस तरफ होगा, तो कभी भी ये काउंट नहीं होगा, इसके बाद से काउंट होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आंसर आएगा परसेंटेज, पहली बात क्लियर है। सेकंड बात, अब हमें इसे दूसरे तरीके से आंसर करना है, फास्टली आंसर करना है। कैसे करेंगे, 15 माइनस 6, देखो जब भी दो एंड सेम होते हैं, जब भी कोई दो एंड सेम होते हैं तो सेम एंड में हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर सपोज करिए यहाँ पे राइट एंड और राइट एंड होता तो भी हम क्या करते, माइनस करते। इट मीन्स जब भी हमें सेम एंड दिया जाएगा, ठीक है, सेम एंड जब भी हमें दिया जाएगा हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चाहे वो सेम एंड लेफ्ट टू लेफ्ट हो या फिर वो सेम एंड राइट टू राइट हो, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है, जब भी सेम एंड दिया जाएगा तो हमने माइनस किया। अगर हम यहाँ पे कहते हैं सर अपोजिट एंड होता तो हम क्या करते, ऐड करते, हम क्या करते, ऐड करते, यानी कि लेफ्ट से राइट बोलता या राइट से लेफ्ट बोलता तो हम अपोजिट एंड में हमेशा क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता, आई बिलीव कि उन्हें अभी पता लग गया होगा कि अपोजिट एंड में एडिशन होगा और सेम एंड में सब्सट्रैक्शन होगा। अब देखो 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9। आप सीधे सीधे 9 भी काउंट कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप 9 भी आंसर कर सकते हो डायरेक्टली, आपको इसके लिए 15 के बाद 6 आने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो आई थिंक सो पहली चीज यहां पर पता लग चुकी है सभी को कि यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहां पर सभी का आंसर परसेंटेज है। ओके, चलो तो अगर यहां पर सभी का आंसर पहला क्वेश्चन परसेंटेज आ गया है तो एक बार हम फिर से चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार सेकेंड क्वेश्चन दिखाइए। सो गाइज नाउ सेकेंड क्वेश्चन प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर देंगे अब आप सभी लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का, और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है। ओके, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। भाव्या मिश्रा, भाव्या मल्होत्रा, देखो सभी अपना अपना स्कोर भी, एवरीबडी प्लीज शेयर योर स्कोर ऑल्सो विद द क्वेश्चन। इफ यू स्कोर 1 out of 1, दैट्स वेरी गुड, 2 out of 2 या 2 out of 1, दैट्स वेरी गुड। तो आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं साथ की साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, यानी ऐसे कितने नंबर इस अरेंजमेंट में दिए हुए हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई अ कॉन्सोनेंट, जिससे पहले, जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट होगा, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर, और उसके बाद में कोई लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कॉन्सोनेंट और नंबर का तो अरेंजमेंट आपको देखना ही पड़ेगा, आगे लेटर नहीं होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगली चीज क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलो आंसर करो, आंसर आ रहा है 2 यानी बी। गाइज आंसर करिए फास्ट में, बिल्कुल ये क्लरिकल मीन्स में भी आएगा, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर करेंगे 1, कुछ कह रहे हैं सर 1 होगा यानी कि बी होगा, सी कुछ सी आंसर कर रहे हैं 2 होगा। ओके, आई एम गेटिंग 2 आंसर, देखो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी, देखो बी ऑप्शन मिल रहा है और ऑप्शन सी मिल रहा है, ये दो ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। 1, और लेकिन ध्यान रखना गाइज, मैं हमेशा कहता हूँ आप ऑप्शन शेयर करो, 1 और 2 शेयर मत करो, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कह रहे हो आप, तो ऑप्शन शेयर करेंगे, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर हैं। अब समझना इस बात को, इस अरेंजमेंट में
ऐसे कितने नंबर हैं ईच ऑफ विच इज, यानी जो कि हर एक जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई अ कॉन्सोनेंट, जिससे पहले यहां पर बोला गया है कॉन्सोनेंट आएगा, इससे पहले क्या आएगा कॉन्सोनेंट आएगा, एंड बोला गया है एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर, और यहां पर लेटर नहीं आएगा। अब समझना इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं लेटर का मतलब वो या तो वोवल से कॉन्सोनेंट मान लेते हैं कई बार जल्दीबाजी में, ऐसा वो हमेशा नहीं करते हैं, ऐसा वो जल्दीबाजी में कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ लेटर का मतलब है कि आपका ना तो वोवल काउंट होगा ना आपका कॉन्सोनेंट काउंट होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉन्सोनेंट नंबर नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास कॉन्सोनेंट नंबर और सिंबल हो सकते हैं, ये दूसरा हो सकता है। तो हमें ये दोनों अरेंजमेंट समझने पड़ेंगे कि कॉन्सोनेंट नंबर और नंबर कहाँ है या कॉन्सोनेंट नंबर और सिंबल कहाँ है, ये दोनों होगा सही आंसर होगा, क्योंकि ये कहा गया कि नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, एक लेटर नहीं होना चाहिए लेकिन इसके अलावा नंबर या सिंबल तो हो सकता है ना, उसकी मना नहीं है, ठीक है। अगर देखिए कॉन्सोनेंट नंबर, तो देखो कॉन्सोनेंट नंबर और देखो अगेन है तो ये नहीं चाहिए हमें। इसके बाद देखो कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल, यानी एक हमें यहाँ पर मिल गया है Q3%, तो Q3% पहली चीज़ यहाँ पर मिल चुकी है Q3%। फिर आप किसी नंबर पे आओ यहाँ पे, इससे पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में फिर लेटर आ रहा है छोड़ देंगे, फिर नंबर पे आएंगे नंबर से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं देखो नंबर की, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है इसके बाद में लेटर इसे भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं नंबर, नंबर से पहले क्या आ रहा है ई आ रहा है, और नंबर के बाद देखो नंबर से पहले ई आ रहा है लेकिन ये क्या है, ये कब आपका वोवल है और आपको चाहिए कॉन्सोनेंट, यानी ये भी काउंट नहीं होगा। इसके बाद नंबर से पहले देखो नंबर से पहले कॉन्सोनेंट की कंडीशन है, ये भी खत्म हो गई, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट की कंडीशन है लेकिन बाद में फिर लेटर नहीं चाहिए। तो सिंपल हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो वन आ रहा है, वन का मतलब कि Q3% ही आ रहा है। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Q3%, इट मीन्स वी कैन से ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं होगा। तो वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने यहां पर सी आंसर किया है उन्हें यह पता लग गया कि आंसर सी नहीं होगा, आंसर केवल Q3%, इट मींस ऑप्शन बी होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बिलीव कि आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। तो चलो अब आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां पर बहुत आराम से आपको चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको कैसे ये सब करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाएंगे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड दैट्स गुड, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 2 out of 2 है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये 2 out of 2 आगे जाके 10 out of 10 ना हो, यानी मेरी तरफ से कोशिश होगी कि आपको फुल बाई फुल स्कोर ना मिले, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ हम लेके रहेंगे। अगर आप लेके रहेंगे पूरा की पूरा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यस, लिख सकते हैं यस सर आई विल डू, मैं ये करके रहूँगा, ठीक है। तो चलो आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 सामने है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट में ऐसे कितने सिंबल हैं, समझना इस पूरे अरेंजमेंट में ऐसे कितने सिंबल हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर, जो कि तुरंत देखो उसके बाद में यानी कि सिंबल के बाद में जो है लेटर आ रहा है बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर, लेकिन उससे पहले नंबर नहीं आ रहा हो, यह आपको बताना है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे करेक्ट आंसर देंगे। ओके चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का, ओके आंसर आ रहा है डी। आंसर करिए, देखिए आंसर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके करना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो सभी ने आंसर किया है, किसी ने डी आंसर किया, किसी ने सी आंसर किया है, मेरे पास फिर से दो आंसर हैं, या तो डी आया है या फिर सी आया है, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट है और इनमें से कौन सा नहीं होगा, है ना। अब समझना इस क्वेश्चन को, समझना जिन्हें ये समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, यानी ऐसे कितने सिंबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सिंबल लिखेंगे, ठीक है, कि सिंबल है। इसके लिए कहा गया ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर। अब ये देखो इसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फॉलोड बाई अ लेटर, ये किसे फॉलो कर रहा है, लेटर को फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये फॉलोड बाई अ लेटर, ये लेटर के थ्रू फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला है नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर, और इससे पहले जो है नंबर नहीं आना चाहिए, नंबर की मना कर रहा है।
अगर ये नंबर की मना कर रहा है तो आप समझ रहे होंगे कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, सिंबल हो, लेटर में कुछ भी हो सकता है। देखो सिंबल के बाद लेटर और लेटर के बाद यहाँ पे नंबर नहीं होगा, इसका मतलब सिंबल हो सकता है। पहली बात, सिंबल लेटर लेटर हो सकता है। दूसरी बात, कंडीशन कितनी आ गई हमारे पास, दो आ गई है। सिंबल तो कॉमन रहेगा, इसके बाद लेटर भी कॉमन रहेगा, ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेगी। और इससे पहले क्या आएगा, तो सिंबल आएगा या लेटर आएगा, क्यों? क्योंकि नंबर नहीं आना चाहिए, नंबर की यहाँ पे क्या है, मना है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा, सिंबल और लेटर देखना है। सिंबल कहाँ है और लेटर कहाँ है, देखिए सिंबल देखिए ये रहा, सिंबल और लेटर ये रहा, ठीक है, एक सिंबल लेटर ये रहा, लेकिन सिंबल लेटर के बाद यहाँ पे क्या नहीं, नंबर नहीं आना चाहिए, यानी ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो सिंबल और लेटर चाहिए, सिंबल और लेटर, यहाँ पे सिंबल और लेटर आ रहा है, सिंबल लेटर का सिंबल आ सकता है, यानी कि ये काउंट होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट काउंट हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या काउंट हो गया, फर्स्ट काउंट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से मुझे सिंबल और लेटर चाहिए, सिंबल और लेटर, यहाँ पे आ गया सिंबल और लेटर, सिंबल लेटर के बाद अगेन लेटर, और देखो लेटर यहाँ पर है, यानी कि ये हमारा सेकंड भी काउंट हो गया। क्लियर है, तो दो काउंट हो गए हमारे। अब आगे देखो, आगे की बात करें तो सिंबल और लेटर कहाँ है, देखो सिंबल यहाँ पर है, लेटर नहीं है। ठीक है, सिंबल यहाँ पर है, लेटर यहाँ पर है, तो सिंबल और लेटर जब यहाँ पर है तो इससे पहले लेटर चल सकता है, यानी कि ये हमारा तीसरा भी काउंट हो गया। कितने काउंट हो गए, तीन काउंट हो गए। अगर ये तीन काउंट हो गए, इसका मतलब है आंसर क्या होगा, थ्री होगा, और थ्री होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, और ऑप्शन डी होगा तो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर फोर प्लीज। यस, तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर अब आपके सामने आ चुका है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी का। ठीक है, तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का, तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करेंगे, ओके, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। चलो क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर किया जा सकता है, तो चलो आंसर करो। बहुत बढ़िया, सभी अपना आंसर शेयर कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ओके, ओके, वन नन, ठीक है, या तो वन आएगा या नन आएगा। ठीक है, ए और बी, या तो ए आंसर होगा या फिर बी आंसर होगा, ये दो आंसर हमें मिल रहे हैं। ओके, ए ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, नन। चलो तो आंसर करो गाइस सभी लोग, भाई सभी का आंसर आना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, अब क्वेश्चन नंबर फोर को समझना, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर ये पूछ रहा है हमसे, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट इस अरेंजमेंट में हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिड बाई अ कॉन्सोनेंट, यानी इससे पहले जो आएगा वो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, इससे पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल, और इसके बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। इट मीन्स मैं कहूँ तो सी सी एस, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल का कहाँ है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है, छोड़ देंगे। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो देखो ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके बाद सिंबल बोला गया था, ये भी नहीं है, और यहाँ दो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके बाद में सिंबल नहीं है, और यहाँ पर एक है और एक नहीं है। इट मीन्स कोई भी नहीं है, नन इज देयर। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो जिन्होंने आंसर किया है बी, एक बार फिर से उनका गलत हो गया है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर ऑप्शन नंबर वन, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं मिला है इस सीरीज में। क्लियर है गाइज, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है, तो क्या अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव करवाएं प्लीज। यस, तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में और देन आंसर करना होगा।
तो चलो आंसर करो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट पी जे क्यू. एक दिया हुआ है पी जे और देन दिया हुआ है क्यू, है ना. फिर है टी कॉपीराइट के, टी कॉपीराइट एंड के. इसके बाद दिया हुआ है $1, $2, $1, $2 और देन दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या आएगा इनमें से. ठीक है, चलिए वेट कर रहे हैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का. बिल्कुल, देखो पजल भी लेंगे, आज तो डे वन है भाई, डे वन है. आज हमने डे वन से शुरू किया है, आज हमने शुरुआत का अल्फाबेट टेस्ट का टॉपिक उठाया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज. हो सकता है कल हम कोडिंग डिकोडिंग उठाएं, परसों हो सकता है हम इनइक्वालिटी उठाएं, उसके बाद सिलॉग्स उठाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट उठाएंगे, पजल उठाएंगे. भाई सेशन बहुत हैं और बहुत देंगे आपको, घबराइए मत, बट सपोर्टिव तो आपको रहना ही होगा ना. तो आंसर करेंगे. ओके, देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको मुझे लगा नहीं था कि हिंदी में आपको देने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे उसे जरूर मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा. डू नॉट वरी, दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घबराइए मत. आंसर करिए, आंसर आ रहा है ई बी एच और सॉरी ई बी और ए. ठीक है, एक तो आंसर आ रहा है ई, एक आंसर आ रहा है बी और एक आंसर आ रहा है ए. ये तीन आंसर मुझे इस क्वेश्चन के मिल रहे हैं. ओके ठीक है, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सबसे पहले तो देखो पी जे क्यू कहाँ पर है, समझ रहे हैं. देखो पी की हम बात करें तो यहाँ पर देखो पी जे क्यू कहाँ पर है, देखते हैं. ये है पी, ये क्या है, पी है. ओके, यहाँ मार्क करनी है. चलो पी के बाद देखो ये पी है, ये जे है और ये क्यू है. तो पी से हम आए जे पे और जे से हम आए क्यू पे. इनके बीच में केवल एक का गैप है. किसका गैप है, एक का गैप है. देखो पी के बाद जे, जे के बाद क्यू, है ना. फिर हम टी सी टी कॉपीराइट के. अब देखो हमने कितने छोड़े, दो छोड़ दिए हमने. इसके बाद कहाँ पे आए, हम टी पे आए. तो टी यहाँ पर है, कॉपीराइट यहाँ पर है और के यहाँ पर है, यानी कि हम आ तो फॉरवर्ड रहे हैं, जा हम फॉरवर्ड रहे हैं, लेकिन देखो क्यू के बीच में और टी के बीच में, इनके बीच में दो का गैप है. तो देखो क्यू इसके बीच में और टी के बीच में दो, यहाँ पे एक लेटर, एक नंबर और एक सिंबल का गैप है. के बाद डेफिनेटली फिर हमें दो का गैप छोड़ना पड़ेगा, यानी शुरू करेंगे वन से. तो $1 and $2. तो देखो यहाँ पे $1, $2 दिया हुआ है. अब जैसे ये दिया हुआ है फिर दो छोड़ने पड़ेंगे, यानी ये दो छोड़ देंगे हम. जब हम ये दो छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 6, 9 और देन आएगा एच. और आंसर है 6, 9 H इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और देखो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो 6, 9 H कहाँ पर है, 6, 9 H हमारा लास्ट ऑप्शन है, यानी कि ई में है. इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6, 9 H आर ऑप्शन नंबर 5. क्लियर गाइज, आर यू गाइज रेडी. तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट के 5 out of 5 मार्क्स आए हैं. क्योंकि अगर आपके 5 out of 5 आए हैं तो फिर ये देखना भी बनेगा कि अगले के अंदर कितने स्कोर कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे. तो अब मैं इस सीरीज को रफ कर रहा हूं क्योंकि इस सीरीज का काम हो चुका है हमारे, केवल 5 क्वेश्चन यहां पे थे. चले तो अब देखो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. अब क्वेश्चन नंबर 6 सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे. तब तक मैं सीरीज को लिख लेता हूं. ठीक है, चले तो क्वेश्चन नंबर 6 सामने है. देखो B5R1@EK4F7. देखो EK4F7 कॉपीराइट DAM2, कॉपीराइट DAM2, कॉपीराइट DAM2, P3% 9, P3% और देन 9 के बाद है HIW8, HIWA के बाद है *6UJ, इसके बाद है $VQ# और देन हैश. क्लियर है. तो भाई ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पे. अब ये क्वेश्चन बोर्ड पर है तो आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट मुझे. एंड गाइज अगर आपको लगता है कि ये सेशन हमारी स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा था, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उनके कॉन्सेप्ट जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं थे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, चीज़ों कैसे पढ़ना है समझना और आंसर करना, अगर ये लगता है आपको एंड अगर आप सोचते हैं कि ये सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा है, डेफिनेटली लाइक करें इस सेशन को. ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना.
और आंसर सभी को करना है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है लाइक सिक्स, इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, गुड. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दिया जा रहा है ए. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर देखते हैं अब हम कि क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर क्या है इनमें से. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ सेवनटीन फ्रॉम लेफ्ट. ध्यान रखना क्या बोला है, एक बार फिर से, लेफ्ट से सेवनटीन के लेफ्ट में बोला है सेवंथ नंबर. बात समझ में आ रही है, तो सेवंथ है टू द लेफ्ट ऑफ सेवनटीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. इट मीन्स 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10. मैंने आपसे बोला था जब भी कोई दो सेम एंड की बात चल रही हो, सेम एंड का मतलब है लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, ये सेम एंड होंगे. ठीक है, तो जब भी सेम एंड की बात चल रही हो तो सेम एंड के केस में आपको क्या करना है, माइनस करना है. आपने 17 में से 7 को माइनस किया, 17 में से 7 को माइनस किया तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. 10 आ रहा है तो कहां से आ रहा है, दोनों की दोनों लेफ्ट है ना. अगर ये दोनों की दोनों लेफ्ट है इसका मतलब मुझे काउंटिंग कहां से करनी पड़ेगी, लेफ्ट से ही करनी पड़ेगी ना. तो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे, देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे क्या आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है. 7 आ रहा है इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि 10 पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इसका क्या है, सही आंसर है. ये इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है. तो जिन भी स्टूडेंट ने यहां पर फिर से गलती की है उन्हें फिर से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा. ठीक है, तो आई बिलीव कि आप सभी को समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हमारा क्या है. तो क्या अभी तक आपने स्कोर 6 out of 6 किया है या नहीं किया है, ये आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें और ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 का फिर हमें कितने लोग सही आंसर करेंगे. तो चलिए देखते हैं, 7 out of 6 विशाल बहुत बढ़िया, शाबाश. आयुषी भी बहुत अच्छा, पार्थ 6 out of 6 बहुत बढ़िया. चलो तो मुझे लग रहा है कि मतलब सभी लोगों ने अच्छे स्कोर किया है आज. हाँ चलो कोई बात नहीं है, सबको हम फंसा लेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे. हमें पता है कि आपको कहाँ पर हमें रोक देना है. दिस इज़ योर डे वन ओनली, अभी आपका डे वन है और डे वन से हमने शुरू किया है. अभी तो ऑलरेडी 29 डे बाकी हैं, है ना, और 29 डे चैलेंजिंग होंगे ये आप मान के चलिएगा. ये 30 डे का जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स हमें पता है कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए, कितना बेनिफिशियल होगा. और देखिए दूसरी बात, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, मैं खुद मानता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसको चैलेंजिंग बनाया जा सकता है. वो आप आगे के सेशन में देखते जाइए कि मैं इसे कितना चैलेंजिंग बना दूंगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करेंगे मुझे. देखो ये तो जरूर मुझे पता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ईजी लगती है आपको, और अभी आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर मैं कितने चेंजेस कर सकता हूँ. ठीक है, बट अभी डे वन है तो मुझे लगता है कि डे वन के अंदर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना चाहिए, चीज़ों को सीखना है हमें. लेकिन आगे की क्वेश्चंस इजी नहीं होंगे ये भी आप मान के चलना, क्योंकि आगे की जितनी चीज़ों में फेरबदल करने वाला हूँ वो शायद आपको लगे कि हाँ आज का चैलेंजिंग था सेशन, आज का बहुत अच्छा था, समझ में आया. इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आपको सेशन जब भी पसंद आए आप अपने टीचर को सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को वहाँ से पिक कर सकें और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिया जा रहा है सी, यानी कि 9. ठीक है, 9 है तो देखना पड़ेगा. बिल्कुल सिंडिकेट और कैनरा का लेवल यही रहेगा, घबराइए मत, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, लेवल ऐसा ही मिलेगा आपको. ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन डी एंड यू. देखो डी और यू के बीच में, पहली बात तो ध्यान रखना डी और यू के बीच में टोटल कितने लेटर नंबर सिंबल हैं ये हमें पता करने हैं. ठीक है, डी की अगर हम बात करें तो डी कहाँ पर है हमारे, यहाँ पे डी एरा. ठीक है, ये हमें डी मिला हुआ है. ठीक है, और यू की अगर हम बात करें तो आगे हमें यू यहाँ मिला हुआ है. ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, या तो वो कहेगा एक्सक्लूडेड या क्या बोलेगा इंक्लूडेड, है ना, क्या बोलेगा, या तो वो कहेगा कि हाउ मैनी, ये इसने कहा जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन डी एंड यू, एक्सक्लूडेड डी एंड यू इन द अबव अरेंजमेंट. अगर एक्सक्लूडेड करना होगा तो एक्सक्लूडेड करना होगा, इंक्लूडेड करना होगा तो इंक्लूडेड करना होगा. और जब ये दोनों चीज़ें नहीं दी जाए तो आपको हमेशा इसे एक्सक्लूडेड ही मानना है. पहली बात क्लियर है यहाँ पे, तो कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है सर डी और यू को भी काउंट करें या नहीं करें. तो मैं बोल दूँ अगर ये दिया हुआ है तो एक्सक्लूड करो,
इंक्लूड दिया हुआ है तो इंक्लूड करो, दोनों नहीं दिया हुआ है तो एक्सक्लूड करना, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 13 है हमारे पास। इसका मतलब अगर 13 यहां पर है तो 6 इस तरफ होंगे और 6 इस तरफ होंगे, मिडिल वाला हमारा आंसर होगा। इट मींस अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 7th वाला आंसर होगा। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7th वाला जो हमारा है दैट इज 9, और 9 होगा तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्लियर है गाइज? बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि यस सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ही होगा, यानी कि 9 ही होगा, है ना। चलो तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है, है ना। चले अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है, 4 of the following 5 are alike in a certain way, यानी कि इन 5 में से 4 कुछ ऐसे होंगे जो किसी एक तरीके से समान होंगे। सर्टेन वे बेस्ड ऑन दियर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट। और यहाँ पर ये जो सर्टेन वे हैं, यानी कि जैसे हैं, वो अपने अरेंजमेंट के जो अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें है, ठीक है। सो एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको ऑड वन आउट समझ में आता है? ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि 5 में से 4 जो होंगे इस अरेंजमेंट में किसी तरीके से समान होंगे, एक जो सबसे अलग होगा वही आपको आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर देंगे सभी लोग और बताएंगे सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया हुआ है PM3, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी यहां पर दिया हुआ है KFE, ठीक है। ऑप्शन सी है 6J star, ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है 15@the rate, एंड द ऑप्शन लास्ट जो ऑप्शन है 7D4, ठीक है। तो चलो आंसर दो मिले हैं, एक तो ए ही मिल रहा है, ठीक है, एक हमें ई मिल रहा है, एक 15@the rate भी दिया गया है, तो 15@the rate भी ले लेते हैं। 3 ऑप्शन, देखो फंस गए आप सभी लोग। अब मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम फंस चुके हैं। ओके, तो ऑप्शन ए आएगा, डी आएगा और ई आएगा, ये बताया गया अभी तक, हाँ। चलिए तो देखना पड़ेगा अब, ये तो ए डी और ई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, आंसर करना ही होगा आपको, आपको बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ई, चलिए अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। देखो PM3, पहले तो ये देखो PM3 कहाँ है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से रफ कर देते इसको, हाँ जी। अब देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ है, PM और 3 दिया हुआ है। देखो P यहाँ पर है, M की बात करेंगे, M यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो P से हम M पे आए, यानी P से जब मैं M पे आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे -2 कर रहा हूँ, और यहाँ से जस्ट यहाँ पे कह सकता हूँ +1 ही कर रहा हूँ, यानी P से सीधे मैं 3 पे आ रहा हूँ ना, तो जस्ट इमीडिएट है, तो हम ये कह सकते हैं +1 कर रहे हैं। तो P से सेकंड नंबर का जो लेटर आ रहा है वो -2 पे आ रहा है, और P से थर्ड नंबर का लेटर जो आ रहा है +1 पे आ रहा है ना। इसके बाद KFE पे आओ, देखो KFE, K यहाँ पर है, K से F पे आ रहे हो +2 कर रहे हो, और E पे आ रहे हो यानी -1 कर रहे हो, यानी कि एक बार फिर से कहें, यहाँ पर हम K से F पे आ रहे हैं +2 कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं -1 कर रहे हैं, ठीक है। KFE यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे रहा है। थर्ड देखो 6J star, 6 यहाँ पर है, J यहाँ पर है और स्टार यहाँ पर है, यानी कि +2 और देन -1, यही है। तो +2 और देन -1, ये यहाँ पर आ गया तीसरा है, ठीक है। आगे देखो 15@the rate, आगे 15@the rate की बात करें तो 1 देखिए कहाँ पर है, ये रहा 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 1 से 5 पीछे आए और 15 और एट द रेट यहाँ पर आया, यानी ये -2 +1, तो बिल्कुल वही बात है, -2 यहाँ पे हो गया और +1 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है +1। आप ये देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर सभी में तो -2 +1 या +2 -1 हो रहा है ना। अब 7D4 में क्या है, देखो 7D4 के अंदर समझना, 7 कहाँ पर है, देखिए 7 यहाँ पर है, D यहाँ पर है, और इसके बाद 4 यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे समझो, 7 ये रहा, इससे D मिला, और 7 से 4, यानी कि यहाँ पर भी यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 भी हो रहा है और यहाँ पे -2 भी हो रहा है। तो देखो अभी तक आपने देखा होगा -2 या +2 और -1 या +1 चल रहा था,
लेकिन यहाँ पर प्लस टू और माइनस टू चल रहा है। तो सबसे ऑड ध्यान रखना, इन चारों में तो कोई एक पैटर्न बन गया कि जैसे ये वाला पैटर्न माइनस टू वाला है, ये पैटर्न माइनस टू वाला है, तो पहला और फोर एक जैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड और थर्ड एक जैसा हो गया। तो यहाँ पर तो पैटर्न चल रहा था प्लस टू माइनस वन या माइनस टू प्लस वन, ये पैटर्न चल रहा था। लेकिन जो सबसे अलग है इससे वो क्या है, प्लस टू और माइनस टू है। ये क्या है, प्लस टू और माइनस टू है। तो सबसे अलग यहां पर ये जाएगा, ठीक है। यहां पर टू और वन का रेशियो चल रहा था प्लस और माइनस में, लेकिन यहां पे टू टू का रेशियो चल रहा है। तो नंबर्स के थ्रू अगर गौर करेंगे तो आपको नंबर के थ्रू गौर करने में पता लगेगा कि सर सबसे अलग यही है, इसके अलावा ये कंपैरिजन में नहीं है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर किया कि सर पहला ही होगा या फिर फोर्थ ही होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा आपका 74, क्योंकि यहां पर जो गैप मिल रहा है वो 2-2 का मिल रहा है, रिमेनिंग में गैप आपको 2 का और 1 का मिल रहा है। क्लियर है? तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया और 8 आउट ऑफ 8 स्कोर आपका चला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपको आई थिंक कुछ चीजें समझ में आई होगी कि और कैसा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है और आपको दिया गया ताकि आपको कुछ चीजें और पता लगे, कुछ अलग चीजें भी पता लगे, ताकि आप एग्जाम में इन चीज इस तरह की गलतियां ना करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ऑड वन पे आपके पांच में से एक जरूर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पे क्लियर हो गया। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए हमें। सो नाउ गाइस वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। और मुझे बहुत खुशी है ये देख करके कि आपका जो स्कोर है 8 आउट ऑफ 8 है। सर आई नीड मैथ्स क्लास हिमांशु, इसके बाद घबराइए मत, आपकी मैथ्स की ही क्लास है तो आपको रेगुलर मैथ्स की क्लास मिल रही है। देखिए आपको किसी कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको किसी कह सकते हैं कि आपने कोई कंटेंट नहीं खरीदा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल रोजाना यहाँ पर आना है। सुबह 8 बजे से आपको आना है और 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है, जिसमें आपकी मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो आपको इसका बहुत बेनिफिशियल है, बट बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है ना। अब चलो मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। और मुझे स्कोर जरूर बताते चलना कि किसका स्कोर कितना है। जैसे मैं 7 out of 8 देख रहा हूँ, या सॉरी 8 out of 7 देख रहा हूँ, 8 out of 8 देख रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ये। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। एंड गाइज अगर आपको लगता है कि सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, फिर हमने कुछ नया सीखा है आज, अगर आपको लगता है कभी भी आपने एक चीज़ भी नहीं सीखी हो या पूरे सेशन में हर चीज़ ही नहीं सीखी हो, तो प्लीज़ चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी भी फैकल्टी का वीडियो कहीं पर भी हो, आप ज़रूर से लाइक करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा मेहनत लगती है क्वेश्चन को सोचने में, समझने में, मॉडिफाई करने में, उसे सॉल्व करने में, हर चीज़ में मेहनत लगती है, ठीक है। उसे क्रॉस चेक करने में मेहनत लगती है और उसके बाद फिर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इसके लिए पहले ऑलरेडी हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि हाँ लाइक किया जाना चाहिए, डेफिनेटली लाइक करें, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे मैं आंसर देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे आंसर कर रहे हैं डी और कुछ कह रहे हैं 1, ठीक है, नहीं बी। तो डी भी आंसर मिल रहा है, बी भी आंसर मिल रहा है, दो आंसर में मिल रहे हैं डी और बी, ठीक है। सी, ओके सी भी ऑप्शन दिया गया है, तो सी भी आंसर दिया गया है, ठीक है। तो मेरे पास 3 आंसर जो है मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूं, क्या है, डी है, बी है और सी है, ये 3 मुझे यहां पर दिए गए, ठीक है। चलो ओके गुड, देखो मेरे को आंसर मिल रहे हैं डी, बी और सी, ये 3 मुझे आंसर दिए गए हैं आपने, है ना। तो मैं अब यहाँ पे चेक करूंगा कि इसमें से कौन सा सही है, क्या डी सही है, बी सही है, सी है, कोई भी सही नहीं है, ए या ई होगा, है ना, ये अब मैं चेक करूंगा। देखिए हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर, पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इसे कैसे राइट डाउन करना है, सिंबल की हम बात कर रहे हैं। हाउ मैनी सच सिंबल आर देर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिड बाई अ नंबर, जिससे पहले यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा, जिससे पहले क्या आएगा, नंबर आएगा, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो क्या क्या होगा ये समझो, अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो क्या होगा। देखो सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है और सिंबल हो सकता है। पहली बात ये हो सकता है सिंबल, नंबर, सिंबल और देन सिंबल, पहला ये हो सकता है। सेकंड नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है और इसके बाद वोवल्स हो सकता है, तो सेकंड थिंग वोवल्स हो सकता है, है ना, ये हो सकता है। कॉन्सोनेंट नहीं होगा थर्ड क्या होगा, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, ये दो चीज़ें तो होनी होगी और देन अगेन नंबर होगा, तीसरी चीज़ ये हो सकती है। तो ये 3 हमें पैटर्न मिल सकते हैं, क्या,
नंबर सिंबल तो कॉमन रहेगा, नंबर सिंबल तो कॉमन रहेगा, नंबर सिंबल कॉमन रहेगा। अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वोवल होगा या नंबर होगा, ठीक है। वोवल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। तो सिंबल भी हो गया, वोवल भी हो गया, नंबर भी हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई चीज देखनी पड़ेगी कौन कौन सी यहाँ पे मैच कर रही है, बस कॉन्स्टेंट नहीं हो वो, ठीक है। अब देखो अगर नंबर और सिंबल की बात करें तो नंबर और सिंबल कहाँ है, देखो नंबर सिंबल ये रहा, अगर नंबर ये रहा सिंबल ये रहा तो नंबर और सिंबल नहीं है ना, नंबर सिंबल है तो नंबर सिंबल के वोवल हो सकता है, तो बिल्कुल ये है। देखो पहला यहाँ पर मिल रहा है, नंबर सिंबल और वोवल पहली बात क्लियर है, तो नंबर सिंबल वोवल आ चुका है। इसके बाद देखिए नंबर सिंबल वोवल की बात अगर करें तो देखो नंबर के बाद सिंबल ये रहा, नंबर सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, है ना, नंबर और सिंबल। तो नंबर सिंबल तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो नंबर सिंबल ये रहा, ओके ये रहा नंबर और देन सिंबल। तो यहाँ पे देखो नंबर सिंबल है मेरे पास क्या, 3%, लेकिन इसके बाद नंबर हो सकता है, यानी कि दूसरा ये रहा, तो दूसरी कंडीशन ये रही है, पहली कंडीशन ऑलरेडी ये, दो कंडीशन मैच कर चुकी है। इसके बाद देखो नंबर और सिंबल देखते हैं, तो नंबर यहाँ पर है, नंबर यहाँ नहीं है, नंबर यहाँ पर है, ओके, और सिंबल यहाँ नहीं है, ठीक है, दो है हमें, दो मिल रहे हैं अभी तक। और देख लेते हैं एक बार और, नंबर और सिंबल कहाँ हमें मिल रहा है, नंबर सिंबल कॉन्सेंट नहीं चाहिए, सिंबल ये रहा एक, सिंबल ये रहा, सिंबल ये रहा, तो नंबर हो गया, सिंबल हो गया और नंबर हो गया, ठीक है, ये हो गया। सिंबल यहाँ पर है, तो सिंबल यहाँ पर है, तो फिर सिंबल के बाद क्या चाहिए, सिंबल से पहले हमें चाहिए नंबर, तो नंबर नहीं है, सिंबल से पहले चाहिए था नंबर नहीं है, तो कितने मिल रहे हैं, केवल दो मिल रहे हैं, केवल कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, और दो मिल रहे हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। देखो वन एट द रेट ई बोला है एक, तो ठीक है, 3% 9, 8*6, देखो 8*6 कहाँ पर है भाई, 8 कहाँ पर है, 8 कहीं दिख रहा है आप लोगों को, 8 अगर देखे तो यहाँ पे कहीं 8 है, ओके, *6 यहाँ पर 8 है, ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया HIW8A, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, तो नंबर भी आ गया, सिंबल भी आ गया और देन नंबर भी आ गया, तो दो नंबर एंड सिंबल, बिल्कुल तीन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, बिल्कुल तीन है, और तीन है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3, यानी कि डी, बिल्कुल ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो गाइस समझ में आ गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने समझ गया था इसके अंदर 8 होगा, क्योंकि आपने जब मुझे आंसर किया कि सर 3 होगा तो मैंने देख लिया था, वन ऑफ द स्टूडेंट ने कहा कि सर 8*6 भी है, तो *6 तो मुझे दिख गया था लेकिन 8 नहीं दिख रहा था, तो जब मैंने देखा उस क्वेश्चन के अंदर जो कि सामने पीपीटी पर है, तो वहां पर स्टार से पहले 8 लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया था कि मैंने इसे स्किप कर दिया था जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था, ठीक है। तो हमें यहां पर आंसर क्या मिला, ऑप्शन सी मिला, क्लियर है गाइस, तो आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए, इसके बाद फिर आप लोगों का एक और टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और उस टेस्ट के अंदर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन इनइक्विटी का हो सकता है, वो क्वेश्चन सेलॉक्स का हो सकता है, तो हम एक सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पे उस सेशन को लेंगे और उसको यहीं पे आज वाइंड अप भी करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो, फिर हम उस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, ओके, HIW A नहीं था क्या, चलो ठीक है, तो ए यहां पर हटा देते हैं, HIW के बाद 8 है तो A हटा देंगे, ओके, और हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, इसे हमने सही कर लिया है। चलो भाई अनिरुद्ध इस बात को समझना, उस क्वेश्चन में कहा गया था कि कॉन्सोनेंट नहीं आएगा बाद में, है ना, और अगर कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो उसकी जगह नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, वोवल भी हो सकता है, बस कॉन्सेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अरे भाई मैंने मान लिया कि मैंने एक पढ़ा था, एट पढ़ा था लेकिन ए लिख दिया, ठीक है, यहां शायद मिसप्रिंटिंग थी, चेंज कर दी है, घबराइए मत, आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, और बताएंगे करेक्ट आंसर। ओके ए, ठीक है, यानी क्या मैं आंसर दिया जा रहा है, नन, ठीक है ना, सबसे पहले आप तो हम यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ए, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है बी, यानी कि 1 भी मिल रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन मिल गए ए और बी। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर बदल रहे हैं, मैं यहाँ पे हर बार 2 या 3 आंसर लिख रहा हूँ जो आप मुझे यहाँ कमेंट्स बॉक्स में बता रहे हैं, ठीक है, ओके, नन भी है 3, अब 3 का मतलब डी भी बता दिया गया है। चलिए तो अब देखना ये है कि ए और बी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके
सर स्कोर 9 है, 10 हो गया है, 10 में से 9, ओके अच्छा स्कोर है ये तो। बी अच्छा देखो, अगर मैं किसी का पिछला क्वेश्चन केवल ए और एट की वजह से गलत हुआ और इसकी वजह से उन्होंने सी आंसर किया, तो वो यहां पर चेंज करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है, डू नॉट वरी वो। लेकिन एक चीज भी याद रखना, आप अगर बोर्ड पर देख रहे हो और आपके सामने क्वेश्चन पीपीटी में, तो आपको पीपीटी से आंसर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पर लिखते वक्त, क्योंकि स्लाइड बहुत दूर है मेरे से, तो हो सकता है कि कोई और लेटर या नंबर या सिंबल छूट जाता है, तो आपको यहां चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन पीपीटी से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि वो आपके बहुत ज्यादा नजदीक है, ये मेरे नजदीक नहीं है, है ना, इसलिए ठीक है। अब आंसर समझते हैं इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। सबसे पहली बात यहां पर बात की जा रही है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, तो मैं कॉन्सोनेंट को देखूंगा पहली चीज, है ना, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ओके हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अनदर कॉन्सोनेंट, फॉलोड बाई, है ना, अनदर कॉन्सोनेंट का मतलब यहां पर हम एक और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट देन कॉन्सोनेंट, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिड बाई अ नंबर, लेकिन इससे सॉरी बट नॉट प्रेसिड बाई अ सिंबल, यहाँ पर इससे पहले सिंबल नहीं आना चाहिए, नॉट वर्ड है तो सिंबल नहीं आएगा, इट मीन्स क्या होगा, आप देखो समझना, ये कॉन्सोनेंट है, दो तो हमें कॉन्सोनेंट चाहिए रेगुलरली, इसके बाद हमें लेटर मिल सकता है, लेटर में कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों चलेगा, सिंबल मिल सकता है, सिंबल भी चलेगा, और नंबर ओके सिंबल नहीं चलेगा, सिंबल की मना है, नंबर चलेगा, ठीक है, ये नंबर भी चलेगा, तो दो कॉन्सोनेंट के दो कॉन्सोनेंट हमें कंटिन्यू चाहिए, और एक हमें या तो इससे पहले लेटर चाहिए या फिर क्या चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है, लेटर या नंबर, लेटर में कुछ भी होगा, वोवल कॉन्सोनेंट और नंबर हमें कोई सा भी चाहिए होगा, लेकिन सिंबल हम नहीं लेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो सबसे पहली चीज़ हमें जो सर्च करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी कि दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब देखो दो कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ पे होंगे समझना, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट कहीं पर भी नहीं है, दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट नहीं है, और यहाँ कहीं पर भी दो कॉन्सोनेंट नहीं है, इसके बाद देखो यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट नहीं है और यहाँ पर कहीं पर भी दो कॉन्सोनेंट नहीं है, इसके अलावा वी और क्यू दो कॉन्सोनेंट है ना, तो वी और क्यू अगर दो कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले क्या चाहिए हमें, एक सिंबल सिंबल, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, सिंबल वाली कंडीशन नहीं है ना, ये भी कंडीशन नहीं होगी, तो कोई भी कंडीशन यहाँ मैच कर ही नहीं रही है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। देखो मैं बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, दो कॉन्सोनेंट मुझे चाहिए थे और इसके अलावा दो कॉन्सोनेंट मुझे कहीं नहीं मिले, चेक कर सकते हो आप दोबारा, V5R1 ठीक है, वन एट द रेट ई के है, तो देखो वोवल कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसके बाद आप देखो तो डी ए, इसका मतलब एक बार फिर से वोवल आ रहा है, ए एम फिर से वोवल आ रहा है, और देन यहाँ पे कोई नहीं है, एच आई इसका मतलब एक कॉन्सोनेंट एक वोवल है, और देन अगेन वोवल कॉन्सोनेंट आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे यू जे इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से वोवल कॉन्सोनेंट आ रहा है, और ये दो कॉन्सोनेंट मिले मुझे, यानी यहाँ पे मेरा आंसर बन सकता था, लेकिन इससे पहले दे दिया सिंबल, और सिंबल की कंडीशन यहाँ पे मना की गई है, अगर मना की गई इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, नन आंसर होगा, तो वन आंसर होगा यानी ए आंसर होगा, और जिन भी स्टूडेंट ने आंसर किया बी और डी उनका भाई यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्लियर है। चले तो अब आप यहाँ पे कुछ सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, आर यू गाइज रेडी फॉर द सरप्राइज क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं सरप्राइज क्वेश्चन के लिए कितने लोग तैयार हैं, सरप्राइज क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आंसर आएगा सरप्राइज क्वेश्चन का। तो अब आप पहले तो मुझे अपना स्कोर शेयर करें कि कितनों के 10 out of 10 हैं, और जैसे ही आपका स्कोर मैं देख लेता हूं उसके बाद मैं आपको यहां पे कुछ सरप्राइज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आंसर मुझे तेज़ी से चाहिए, आंसर मुझे फास्टली चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि ये सभी चीज़ें मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूं, बहुत चीज़ें समझाई है मैंने आपको, तो मुझे लगता है कि ये आंसर आप लोग करेंगे। ओके तो 10 out of 10, 10 out of 8, हिमांशु का स्कोर भी अच्छा है, इति घोष 10 में से 9 अच्छा स्कोर नहीं है, सोनाली 10 में से 9 अच्छा स्कोर नहीं है, ममता 10 में से 10 बहुत अच्छा स्कोर है, ओके रश्मि 5 में से 5 अच्छा स्कोर है, लेकिन बाकी ये 5 कहाँ गए, रेडी हैं 10 में से 10, लोकेश बहुत अच्छा स्कोर है, अंकिता अच्छा स्कोर है 10 में से 10, वेरी गुड भाई। देखो जिनके 10 में से 10 है ना, मैं आज ये कहूँगा कि ये ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है किया है, लेकिन जिनके 8 या 9 है मैं उन्हें कहूँगा कि वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। देखो 8 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आती है चीज़ें, अगर आप जल्दीबाजी करके 2 अपने मार्क्स घटा रहे हो ये गलत बात है, जल्दीबाजी मत करो, आप तो किसी आपका किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, आपका कॉम्पिटिशन खुद से है, आप अपने आप से लड़ रहे हो, ये ध्यान रखना,
जिंदगी में हमेशा हमारा जो कॉम्पिटिशन होगा वो हमारा खुद से होगा कि हम अपने आप को कितना समझ पाते हैं, हम अपने आप को कितना अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो किसी ने सुल्तान मूवी नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसके अंदर भी बोला गया है कि जिंदगी में अगर कोई हमें हरा सकता है तो वो हम खुद हैं, और अगर कोई हमें जिता सकता है तो वो भी हम खुद ही हैं। तो हमें खुद से ही जीतना है और हमें खुद से ही हारना है। अगर हम खुद से हार रहे हैं इसका मतलब है कि हम में वो ताकत नहीं है, और अगर हम खुद से जीत रहे हैं इसका मतलब हम में वो विल पावर है। ठीक है, तो चलो आप सभी लोग रेडी हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, तो चलिए तैयार हो जाइए। देखो मैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इनइक्विलिटी से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इनइक्विलिटी से होगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन के, लेस देन एम, क्यू, पी, टी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, टी के बाद कोई नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन की हम बात करते हैं। कंक्लूजन की बात है ए ग्रेटर देन क्यू पहला, सेकेंड K is greater than not equal to M, second, third one है Q is greater than equal to P, Q is greater than and not equal to P. ठीक है, now there here are three conclusion, give me the correct answer of this question. First one is A greater than Q, second one K is greater than not equal to M, K is not greater than not equal to M, ये कहेंगे हम। Third one है Q is not greater than and not equal to P. तो चलो आंसर करो अब इस क्वेश्चन का, और सही आंसर करना मुझे भाई, मैं यहां पे वेट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के सही आंसर का। चलिए दीपक कहते हैं कि इनइक्विलिटी नहीं आता, पहले समझाओ। अगर मैं इसे पहले समझाऊंगा ना तो आपको फिर एक और घंटे यहां पे देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो भाई ये क्वेश्चन आप लिख लो दीपक, किस क्रैश कोर्स के एक सेशन जरूर होगा इनइक्विलिटी का, उसके अंदर जरूर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को लिख के रख लो, फिर वहां पर समझ लेना। ठीक है, आंसर सेकेंड एंड थर्ड आंसर करेंगे फास्ट, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करें, क्योंकि मेहनत तो बहुत करते हैं यार टीचर, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए ही मेहनत करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना लाइक करते हैं। ओके, सेकंड थर्ड देखो किसी ने आंसर किया है कि केवल थर्ड होगा, किसी ने कहा है कि सेकेंड और थर्ड होगा, और किसी ने कहा है कि फर्स्ट होगा। ये तीन आंसर मैं देख रहा हूँ, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये भी आंसर आ गया, अब आप खुद देख लो, एक क्वेश्चन केवल मैंने बोर्ड पर लिखा और आंसर आ रहा है, और कह रहा है कोई नन फॉलोज, यानी कि वन टू और थ्री तीनों नहीं है। ये समझ रहे हैं, ठीक है, सबके आंसर सामने आ गए। देखो क्या है समझना, सबसे पहले तो सबके आंसर समझ लो। किसी ने कहा कि वन टू थ्री तीनों फॉलो नहीं करेंगे, यानी सारे ही गलत हैं, तो नन फॉलोज आंसर करेंगे जो भी नीचे ऑप्शंस होंगे, है ना। किसी ने कहा कि फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, किसी ने कहा कि ओनली थर्ड फॉलोज, किसी ने कहा सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, और किसी ने कहा ओनली फर्स्ट फॉलोज। वन टू थ्री फोर फाइव, एग्जाम में पांच ही ऑप्शन मिलेंगे ना, पांचों यहां पर दे दिए। ठीक है, अब पांचों यहां पर दे दिए तो अब समझना करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ए ग्रेटर देन क्यू, ए बड़ा है किससे, क्यू से। अब ए इज ग्रेटर देन क्यू यहां पर है, देखो ए यहां पर है, के यहां पर है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है। अब यहां साइन आ गए क्या, अपोजिट, यहां पर क्या आ गया, अपोजिट सिंबल है। तो ध्यान रखना, जब भी अपोजिट सिंबल होंगे किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में, When symbol is opposite between the two variable, we cannot find any relationship between these those variable. उन variable के बीच में हम कभी भी कोई भी वो पता नहीं, relation पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर A है, यहाँ पर Q है, मुझे A का और Q का relation find out करना है, और opposite symbol अगर यहाँ से K से पास होने के बाद ही अपोजिट सिंबल मिल जाएगा तो आप आगे रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो रॉन्ग हो गया, पहली बात। तो जिन्होंने आंसर किया कि सर पहला होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब इसका मतलब क्या है, इनमें से चार में से कोई आंसर बनेगा। अब इनमें चार में से कौन सा आंसर क्या होगा वो समझना। सेकेंड है के इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू एम, के बड़ा और बराबर दोनों नहीं होना चाहिए एम से। इसका मतलब, इसका मीनिंग यह है कि के जो है लेस देन होगा एम से। भाई ये समझना, ये कह रहा है बड़ा और बराबर दोनों नहीं है, तो जब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो k छोटा होना चाहिए m से। ये रिलेशन हमें ढूंढना है। अगर ये रिलेशन ढूंढना है तो देखो k कहाँ है, ये रहा k और m। अब देखिए ये चीज़ क्या है, यहाँ पर मैच कर रही है, समझो। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है k लेस देन m, और यहाँ लिखा हुआ है k लेस देन m, क्या ये यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है ना, इसका मतलब सेकेंड सही है। सेकेंड सही है तो जिसने कहा था कि सेकेंड सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये वाले और गलत हो गए, जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों नहीं है। अब उनका ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अब आंसर इन तीनों में से कोई एक हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड होगा या थर्ड होगा या सेकेंड और थर्ड होगा, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, है ना। अब डिपेंड करता है इस पर, अब इसको समझना। इसमें दिया गया है क्यू इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू पी,
बड़ा और बराबर दोनों नहीं है, ना तो बड़ा होगा ना बराबर होगा P से, ठीक है। तो Q बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब Q less than P, यही चेक करना पड़ेगा। अगेन Q बड़ा बराबर दोनों नहीं है P से, तो अगर बड़ा नहीं है बराबर नहीं है इसका मतलब छोटा होना चाहिए, तो Q छोटा होगा P से। आप देखो Q यहां पर है P यहां पर है, तो जब Q यहां पर है और P यहां पर है तो क्लियरली पता है कि Q छोटा है P से, यहां पे P बड़ा है Q से, है ना। तो ये भी करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है। तो यहां पर जिन्होंने ये आंसर किया है उनका ये भी गलत है, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो उन्होंने गलत बता दिया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। जिन्होंने कहा कि सेकंड ही सही होगा तो ये भी गलत है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड एंड थर्ड। तो जिनका भी आंसर था कि सर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। चलो तो अगर आप रेडी हैं तो अगला क्वेश्चन ले लें, अगर आप रेडी हैं तो टेल मी कि कैन आई गिव यू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्या आप अगेन एक और सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। चलिए इफ यस देन प्लीज राइट ऑन द राइट इन द कमेंट्स बॉक्स कि यस सर अगेन आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, ठीक है। हाँ तो बताइए अगेन करेक्ट है, कितना ईजी है, चलिए ओके चलो तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ओके, मेरे को लगता है बहुत अच्छा, सभी लोग तैयार हैं, ठीक है, राइट रेडी, बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर एम के टी एस, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन की हम बात करते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन P इज ग्रेटर देन R, सॉरी ये नहीं लेते हैं ओके ऐसा ले लेते हैं कुछ, और सेकंड यहां ले लेंगे हम ओके सेकंड वन, थर्ड वन ओके चलो तो ये तीन बहुत है, हाँ थोड़ा ओके मेरा मार्कर खराब हो चुका है। चलो तो आंसर करो अब इस क्वेश्चन का, है ना, ये के है, ठीक है, ये के है। तो किसी समझ में नहीं आ रहा हो मुझे बता देना, मैं बोल दूंगा। R इज लेस देन P फर्स्ट वन, K लेस देन इक्वल टू R सेकेंड वन, T लेस देन एंड नॉट इक्वल टू K, ठीक है, नॉट लेस देन एंड K है ये, ठीक है ओके तो आंसर करो अब इस क्वेश्चन का। आंसर करिए, वेट कर रहा हूं गाइज। अगर आपको पसंद आ रहा है सरप्राइज क्वेश्चन, वीडियो जरूर लाइक करिए, ठीक है, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आपको पता है ना कि वीडियो टीम ने कहा एक और बैच शुरू हो चुका है लक्ष्मी नगर दिल्ली में, ठीक है, 15 जनवरी से, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, दो तीन दिन हुए हैं। तो इफ यू वॉन्ट टू विलिंग द ज्वाइन द बैच यू कैन कम, ठीक है, आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को भी, ठीक है। और SSC में भी आप सभी जानते हैं कि SSC में भी करियर पावर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत सारी चीज़ें आपको SSC के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक सही कोचिंग चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए, एक सही टीचर्स हमें चाहिए, तो आप बिल्कुल करियर पावर बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का मुझे, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो किसने का सेकंड था, किसने का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां पे मुझे लगता है आज कोई मार्कर काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ओके, ये आंसर आ रहा है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, किसने का ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, किसने का कि ऑल फॉलोज, चलो ये भी ले लेते हैं, तो ऑल फॉलोज हम ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना, चलो छोड़ देंगे। थर्ड फॉलोज ओके, थर्ड फॉलोज भी ले लेते हैं, सबके आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, सबके आंसर, ठीक है, जो जैसे आंसर कर रहा है वो लिखता जा रहा हूं मैं यहां पे। थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड है, वन टू थ्री है, वन टू है और टू है, मुझे लगता है कि सब यहां पे आ चुका है, सबके आंसर यहां पे आ चुके हैं इन ऑप्शंस में, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की। देखिए क्या दिया हुआ है, आर लेस देन पी दिया हुआ है, आर लेस देन पी है मतलब कि पी बड़ा है किससे, आर से। देखो पी यहां पर है, आर यहां पर है, पी बड़ा और बराबर है आर से, सॉरी क्यू से, पी बड़ा और बराबर है क्यू से, और क्यू बड़ा और बराबर है आर से, इसका मतलब क्या है, क्या हम ये कह सकते हैं कि पी आर से बड़ा होगा। अरे बड़ा और बराबर दोनों है ना,
तो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कंडीशन क्लियर नहीं है। अगर सपोज करो यहां पे होता तो भी कंडीशन क्लियर नहीं कि पी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज नॉट क्लियर, फर्स्ट वन डाउट में है, हमें यह पता नहीं है कि जो पी है वो बड़ा है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो पी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर ये सिंबल कहीं पर भी मिलता है तो इसकी दो मीनिंग होते हैं, इसकी मीनिंग या तो ये बड़ा हो सकता है या फिर ये बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन हमेशा इधर और की होती है, तो आप इसके लिए कंफर्म नहीं होते। तो जब आप कंफर्म नहीं होते तो आप इस तरह के कंक्लूजन को हमेशा क्या करोगे, डाउट में डालोगे। सेकेंड, के लेस देन इक्वल टू आर, के लेस देन इक्वल टू आर है, देखो के यहां पर है और आर यहां पर है, अगर ये यहां पर देखो आर यहां पर जो है छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि क्या होगा, आर बड़ा और बराबर होगा एम से, आर बड़ा और बराबर है एम से, एम बड़ा और बराबर है के से, तो के छोटा और बराबर है आर से। अब देखो के छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर है किससे, के अगर यहां पर इससे बराबर एम, छोटा बराबर है एम से, छोटा बराबर है एम से, इसका मतलब ये समझ समझ जाओ कि यहां पर के और आर के बीच में एक रिलेशन क्लियर है कि के छोटा बराबर होगा किससे, आर से भी। क्यों? क्योंकि ये सिंबल और ये सिंबल सेम है, तो किसी भी एक सिंबल को लेके भी आप क्वेरी कर सकते हो। तो सेकंड वन यहां पे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, आर बड़ा और बराबर है के से, ये बिल्कुल यहां पे पता लग रहा है, आर बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है किससे, के से। तो सेकंड वन इज एब्सोल्युटली क्लियर, यहां पे सेकंड वन बिल्कुल सही है। थर्ड वन की बात करो, देखो टी छोटा और बराबर नहीं है, इसका मतलब है टी बड़ा होना चाहिए किससे, के से, ये कहा गया है। तो देखो टी यहां पर है और के यहां पर है, और टी बड़ा है किससे, के से बड़ा है, तो जब टी बड़ा होगा के से तो ये यहां पर फॉलो कर रहा है। तो सेकंड और थर्ड एक बार फिर से यहां पे करेक्ट है, और इस बार फिर से करेक्ट आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो सारे रॉन्ग है, केवल करेक्ट होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि सरप्राइज क्वेश्चन आज मुझे लगता है दो ही बहुत हैं, क्योंकि हम एक या दो क्वेश्चन ही हर बार अपने सेशन के एंड में लेते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो आप वेट कर रहे हैं अगले सेशन का, जो कि इंग्लिश या मैथ्स में से एक होने वाला है, डेफिनेटली हमारी फैकल्टीज जो है बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेम प्लेस सेम टाइम पर विद न्यू चैप्टर न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket.